सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। तनाव से केवल समस्या ही जन्म लेती है, समाधान खोजने हैं तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। ऐसा वक्त लाओ जो लोग तुम्हें ताने मारने में अपना वक्त देते थे, वो लोग तुमसे मिलने के लिए तुम्हारा वक्त लें। मेहनत पापा से सीखिए और संस्कार माँ से, बाकी सब दुनिया सिखा देगी। कुछ अच्छा बोलने से बेहतर है कि हम कुछ अच्छा करें। आज का पंचांग 25 अगस्त 2024 दिन रविवार, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि, रात्रि 3:39 तक रहेगी। इसके उपरांत अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। भरणी नामक नक्षत्र शाम 4:45 तक रहेगी। इसके उपरांत कृतिका नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय शाम 5:12 से 6:46 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:03 से 12:34 तक रहेगा। आज चंद्रमा मेष राशि पर रात्रि 10:29 तक रहेगी। इसके उपरांत वृषभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य सिंह राशि पर रहेंगे। हल षष्ठी की शुभकामनाएं। वृषभ राशि 25 अगस्त 2024 दिन रविवार। घर वह जगह है जहाँ अभी आपका दिल है, खासकर जब आप अपनी दादा दादी या देखभाल करने वाले के करीब हैं। बाहर जाने के लिए समय निकालें और अपनी रचनात्मक साइड दिखाएं। नए शैक्षणिक अवसर भी उपलब्ध हो सकते हैं। दूसरे के साथ अच्छे संबंध बनाते हुए कूटनीतिज्ञ बने। अपने अंदर की आवाज को सुनने का समय आ चुका है। अपने भय को अपने सिर पर हावी न होने दें। चिंता न करें क्योंकि सब कुछ ठीक है और आप सही रास्ते पर हैं। देर है अंधेर नहीं। आपका धीरज आपकी सोच को निखारेगा और नई धारणाएं आकार लेगी। जीवन में बदलाव बहुत जरूरी है क्योंकि जो बदलता है वो ही आगे बढ़ता है। किसी विशेष आयोजन में जाने का मौका मिलेगा और नई बातें सीखने को भी मिलेगी। खर्चों की अधिकता रहेगी। आय के साधन बढ़ने से परेशानी नहीं होगी। बच्चों का परिणाम देखकर मन में तसल्ली रहेगी। आलस और सेहत से संबंधित दिक्कत हो सकती है, इस कारण दिन की शुरुआत से ही उदासीनता रहेगी। आज खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से आराम देने की कोशिश करें। नई ऊर्जा के साथ काम पर ध्यान देना होगा। जिन लोगों की संगत में आपको नकारात्मकता महसूस होती है, ऐसे लोगों से दूर रहें। काम का तनाव रहेगा लेकिन काम अपेक्षा के अनुसार पूरा करने की क्षमता आप में है, इस बात का ध्यान रखें। पार्टनर के साथ चल रहे विवाद की चिंता बाहरी लोगों के साथ करने से एक दूसरे के प्रति गलतफहमी बढ़ सकती है। सावधानियां। व्यर्थ की बातों पर समय व्यतीत करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। वर्तमान स्थिति पर अपना ध्यान केंद्रित रखें। अपनी चीजों को संभाल कर रखें क्योंकि खोने या चोरी होने के योग बन रहे हैं। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। बात करते हैं लव लाइफ की। मन में जो भी बात है उसे आजुबा पर लाने से पीछे न हटे। हमेशा प्यार और विश्वास से सींचे ताकि प्रेम के फूल हमेशा खिलते रहें। बच्चों के लिए यह समय संकट भरा हो सकता है। आपका ज्ञान और बुद्धि आपको जीवन में सही दिशा दिखाएगी। प्यार या विवाह के संबंधों में बंधने की भी पूरी संभावना है। आमतौर पर जीवन को खुलकर जीते रहें। लेकिन फिलहाल आज आप कुछ थकान महसूस कर सकते हैं। अपने साथी के साथ कुछ आरामदेह समय बिताना आपको दुनिया का हर गम भुला देगा। बात करते हैं करियर की। अपने प्राकृतिक प्रेम के कारण आप कृषि या खेती से संबंधित कार्य करना चाहते हैं। अपने शौक को पूरा करने में कोई कमी न छोड़े। घरेलू कार्य जैसे घर की मरम्मत और नौनीकरण पर भी ध्यान दें। शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वालों के लिए यह समय प्रसन्नता और शांति से भरा होगा। आप पिछले कुछ समय से अपने साहस और ऊर्जा को अनदेखा कर रहे हैं और अब समय है अपने अंतरात्मा की सुनने का। दिमाग का प्रयोग करें और अपने सहज ज्ञान को खुद को मार्गदर्शन करने दें। आज सब कुछ आपके पक्ष में है। शांत और सावधानी पूर्वक विश्लेषण अपनी समस्याओं को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है। कार्य क्षेत्र में लाभ की अपेक्षा मेहनत की अधिकता रहेगी।
लेकिन आप पूरी मेहनत और आत्मविश्वास के साथ काम करेंगी। अपने संपर्क सूत्रों से आपको कोई बेहतर ऑर्डर मिलने की संभावना है। नौकरी पेशा व्यक्ति को मन मुताबिक उपलब्धि मिल सकती है। बात करते हैं सेहत की। काम की वजह से थकान और कमजोरी हावी रहेगी। तनाव ना ले, सहज तरीके से अपने कार्यों को पूरा करें। नींद से संबंधित आपको कुछ दिक्कतें हो सकती है, ख्याल रखें अपना। आज का उपाय, तांबे के लोटे में जल, लाल पुष्प, लाल रोली, अक्षत और काला तिल मिलाकर उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।